हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं बिहार राज्य में स्थित बांका ज़िला के बारे में। तो दोस्तों, वीडियोस को पूरा देखिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप अपने ज़िला के बारे में जानना चाहते हैं तो भी हमें नीचे कॉमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, बांका ज़िला, यह ज़िला भारत देश के बिहार राज्य में स्थित बिहार के कुल 38 जिलों में से एक बांका ज़िला के नाम से जाना जाता है। बांका ज़िला भारत के उत्तर से पूर्व भाग की ओर बसा हुआ है, जिस वजह से इस ज़िले की सीमा झारखंड राज्य से मिलती है। बांका ज़िले का हेडक्वार्टर ऑफिस बांका शहर में मौजूद है, और बांका ज़िला भागलपुर मंडल के अंतर्गत आता है। बांका ज़िला के पड़ोसी ज़िले का नाम जमुई ज़िला, मुंगेर ज़िला व भागलपुर ज़िला है। बांका ज़िला में 11 ब्लॉक, 2 नगर पालिका, 6 पुलिस स्टेशन, 104 बैंक, 4 कॉलेज, 3 बिजली घर, 11 अस्पताल, 2 NGO, 11 स्कूल और 2011 गांव में बटा हुआ है। क्षेत्रफल की बात करें तो बिहार के बांका ज़िले का कुल क्षेत्रफल 3020 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और आबादी की बात करें तो वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बांका ज़िला की कुल आबादी 20,34,763 है। इस ज़िले का औसत लिंगानुपात 918 के करीब है, यानी कि बांका ज़िला में 1,000 पुरुष पर 918 महिला हैं। इस ज़िले का वाहन पंजीकरण संख्या BR51 है। बांका ज़िला के मुख्य नदी का नाम चंदन नदी है। चंदन नदी के किनारे पर बसा यह ज़िला बिहार की राजधानी पटना से महज 270 किलोमीटर तथा देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 1345 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। सड़क रास्ते की बात करें तो इस ज़िला के माध्यम से कोई नेशनल हाईवे संख्या तो नहीं गुजरती है, लेकिन फिर भी इस ज़िला में कई ऐसे छोटे बड़े सड़क हैं जिसके माध्यम से यहाँ के लोग बिहार के बड़े बड़े शहरों में जा सकते हैं। रेलवे स्टेशन की बात करें तो बांका ज़िला के मुख्य रेलवे स्टेशन का नाम बांका रेलवे जंक्शन है। इस जंक्शन में 3 प्लेटफॉर्म व 8 पटरी शामिल है। बांका रेलवे स्टेशन की स्थापना 2004 में हुई थी। इसका स्टेशन कोड BAKA है, और बांका रेलवे स्टेशन ईस्ट रेलवे जोन के मालदा डिवीजन के अंतर्गत आता है। शिक्षा की बात करें तो इस ज़िला में कई ऐसे छोटे बड़े स्कूल व कॉलेज हैं जिसके माध्यम से यहाँ के बच्चे अच्छी तरह से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। वैसे इस ज़िले की साक्षरता दर 58% है, यानी कि इस ज़िला में 58% लोग पढ़े लिखे हैं, जिसमें कि पुरुष व महिला दोनों शामिल है। बांका ज़िले के कुछ महत्वपूर्ण स्कूल व कॉलेज के नाम इस प्रकार हैं: CPS पब्लिक स्कूल, ITI तेलिया बांका, मे इंटर कॉलेज, PBS कॉलेज बांका, सेंट जोसेफ स्कूल, SKP स्कूल, पोल्टिका कॉलेज बांका आदि नामों से लोग काफ़ी वाकिफ हैं। ये जितने भी स्कूल व कॉलेज हैं, ये सभी बांका ज़िला में ही मौजूद हैं। अस्पताल की बात करें तो इस ज़िला में कई ऐसे सरकारी अस्पताल हैं, इसके अलावा कई प्राइवेट अस्पताल हैं जो कि लोगों को स्वस्थ रहने में अपना योगदान देते हैं। यहाँ के अस्पतालों में शुमार डॉक्टर हेमंत हॉस्पिटल, पलवती नर्सिंग होम, डॉक्टर महामल अख्तर, नेहा क्लिनिक, मनानपुर हॉस्पिटल, मणिकांत हॉस्पिटल, संजीवनी हॉस्पिटल
आदि नामों से लोग काफ़ी वाकिफ हैं। ये जितने भी हॉस्पिटल हैं ये सभी बांका ज़िला में ही मौजूद हैं, जो कि यहाँ के लोगों को स्वस्थ रहने में अपना योगदान देते हैं। पर्यटन स्थल की बात करें तो बांका ज़िला खूबसूरती के खजानों से पूरी तरह से भरपूर व मशहूर है। यहाँ पर कई ऐसे पर्यटक स्थल हैं जहाँ पर टूरिस्ट घूमकर आनंद उठा सकते हैं। बांका ज़िला के मुख्य पर्यटन स्थल में शुमार पपहरी मंदिर, जेथौरनाथ मंदिर, छुटेश्वरनाथ मंदिर, लक्ष्मीपुर धाम, जैन तीर्थकर मंदिर, अवंतिकानाथ मंदिर आदि नामों से लोग काफ़ी वाकिफ हैं। दोस्तों, बिहार के बांका ज़िला के बारे में आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी वीडियोस देखने के लिए नीचे दिए हुए लाल कलर के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।